मगर आप यकीन करें, जिन्होंने तारीख पढ़ी है कि जब नेशन स्टेट्स कोलैप्स करती हैं तो क्या होता है, ये एक सबक है कि व्हेन नेशन स्टेट्स फेल तो कैसे डिसमेंटलिंग होती है। सोवियत यूनियन डिसमेंटल हो गया रातों रात, एक दिन वो सोवियत यूनियन था, दूसरे दिन इट बिकेम रशिया, एक दिन वो अथॉरिटेरियन कंट्री थी, दूसरे दिन वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई, और तीसरे दिन फिर से ऑटोक्रेटिक कंपनी बन गई। और ईस्टर्न यूरोप एक दिन रूस का बैकयार्ड था, अब नेटो का बैकयार्ड बन गया है, और इतने मुल्क बन गए हैं और वो अलग अलग हो गए सारे। मतलब है कि ये जब तारीख मूव करती है इस किस्म की सिचुएशंस में, तो कोई पता नहीं होता क्या होता है। और यहाँ इंडिया तो मौका ढूंढ रहा है कि किसी न किसी तरीके के साथ पाकिस्तान की अफवाज को कट डाउन टू साइज किया जाए और इसके टुकड़े किए जाए, ताकि ये अब हमें तंग ठीक ना है. कर सके। वो वहां की तो इसलिए वी आर एक्चुअली फेस्ड विद अ प्रॉब्लम ऑन ईस्टर्न बॉर्डर एंड अ प्रॉब्लम ऑन वेस्टर्न बॉर्डर। ऊपर से अमेरिकन इंटरेस्ट भी हैं यहाँ, ईरान के भी इंटरेस्ट है यहाँ, इंडिया भी है, उसका भी दिलचस्पी है इसराइल रीजन के अंदर, रूस और चाइना के इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं। तो वी आर राइट इन द मिडल ऑफ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्राइंगल। और अगर कोई ऐसी चीज यहाँ होती है जिससे रियासत कमजोर हो जाती है, या रियासत के इदारे जो है वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं, तो फिर बहुत से दुश्मन बैठे हैं जो आपका एडवांटेज लेके दिल का कट यू डाउन टू साइज, और उससे फिर सबका ही नुकसान हो जाएगा। किसी को कुछ नहीं मिलेगा उसमें, ना खान साहब रहेंगे, ना जुडिशरी रहेगी, ना आप रहेंगे, ना हम रहेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट रहेगी, ना पीपल्स पार्टी रहेगी। इट विल बी ऑल अप फॉर ग्रैब्स। देखिए, 5-6 टाइम बॉम्ब्स हैं, लेट्स आइडेंटिफाई देम। पहला तो टाइम बॉम्ब पॉपुलेशन का है। आपकी इस वक्त जी 190 से ज्यादा मुल्क जो है उससे सबसे ज्यादा बदतर सिचुएशन है। आपका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज द अमंगस्ट द हाइएस्ट इन द वर्ल्ड, और हालत यहाँ ये है कि ना मेजोरिटी के पास तालीम है, या ना एम्प्लॉयमेंट है, ना हेल्थ है, और बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, पैसा है नहीं चलाने के लिए हेल्थ सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम, और कोई तवज्जो नहीं दी जा रही कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। और सबसे ज्यादा बड़ा टाइम बॉम्ब कि आपकी 90% पॉपुलेशन जो है वो 40 साल की उम्र से कम की है, और 18 साल से लेके और 30 साल की जो नौजवान तबका है, जो सबसे ज्यादा वॉलेटाइल होता है, जो सबसे ज्यादा जिसको जरूरत होती है तालीम की और एम्प्लॉयमेंट की, वो 50% है। तो अब बात यह है कि इन हालात में, जबकि इतने बुरे हालात हैं, तालीम जी नहीं मिल रही, लिटरेसी रेट जो है वो अभी भी अमंगस्ट द लोएस्ट इन 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 एशिया, बांग्लादेश आपसे बेहतर लिटरेसी रेट है, सिलोन का बेहतर है, इंडिया का बेहतर है, सिर्फ एक अफगानिस्तान है जहाँ लिटरेसी नहीं है, मगर आप अगर आपको अफगानिस्तान से कंपेयर करेंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज, अल्लाह ही मालिक है हमारा। 26 मिलियन आर नॉट आर आउट ऑफ स्कूल, और ये डेटा है, इससे ज्यादा है एक्चुअली पोजिशन खराब। ये तो लोग एवं कह जी देते हैं आज ही स्कूल जा रहे हैं, स्कूल वूल क्या जा रहे होते हैं, पहली दूसरी जमात वो उसको स्कूल जाना है, उसके बाद घर बैठ जाते हैं या नौकरी ढूंढ लेते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, या बच्चे वैसे ही नहीं तो फीस नहीं होती देने के लिए एंड सो ऑन। तो अब बात यह है कि पानी, कहते हैं कि पाकिस्तान इज वन ऑफ द मोस्ट वाटर स्केस कंट्रीज, आपका वाटर टेबल जो है वो खत्म होता जा रहा है, नायाब है. सारा पानी जो आपके पास आता है आप वो समुद्र में फेंक रहे हैं, पानी समुद्र में जा रहा है मगर पानी जी आपके पास नहीं है। उस इसी तरीके के साथ सैनिटेशन नहीं है, नल का नाली बुरा हाल है, जहां बीमारी आप चले जाए देखे जो हाल है, अस्पताल नहीं है आपके पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी गुर्बत बढ़ रही है, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन बच्चे बहुत बहुत ज्यादा बाहर हैं और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, खवातीन के ऊपर इतनी पाबंदियां हैं कि वो काम भी नहीं सही कर सकती, और हर रोज आप अखबार खोले तो आप देखें कितनी खवातीन की ह्यूमन राइट्स जो है वायलेट हो रहे हैं, किस किस्म का ये जी कल्चर है। फिर मजहब, और वो भी एक किस्म का मजहब
जो कि इनको सिखाया गया है, जिसके साथ आप देखते हैं जो हर रोज केसेस जो होते हैं, कैसे गलत इल्जाम, झूठे इल्जाम लगा के लोगों को सजाएं दी जाती हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मेरा ख्याल लगता है ऐसे है कि सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमान रह गए हैं सारी दुनिया में, अब तो सऊदी अरेबिया में से भी बेहतर मुसलमान हम ही हैं, और जहाँ इस्लाम पैदा हुआ वहां भी वो मुसलमान सही मुसलमान नहीं है, हम ही रह गए हैं, हमें ही पता है कि इस्लाम क्या है और क्या नहीं है। तो अब अगर ऐसी सूरत हाल है तो मुझे आप बताएं कि ये हर नौजवान को जब आप पूछते हैं कि आप रहना चाहेंगे इस मुल्क में या बाहर जाना चाहेंगे, तो 9 10 में से बच्चे जो है कहते हैं हम बाहर जाना चाहेंगे। कोई कैनेडा जाना चाह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहा है, कोई यूके जाना चाह रहा है, कोई तुर्की, अब तुर्की भी जाना शुरू कर दिया लोगों ने कि हम तुर्की चलते हैं, कोई मलेशिया जाने शुरू हो गए थे पहले, दुबई, अमीर लोग दुबई जाने शुरू हो गए। तो बात यह है कि यहाँ तो लोगों को नजर आ रहा है कि कोई प्रोस्पेक्ट नहीं है।